हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसी मेकओवर्स। तो आज हम लेके आए हैं एक नया ट्रीटमेंट जिसका नाम है, ये है पैक्टी का नैनोप्लास्टिया, जिसे आज हम इन्वॉल्व पर करने वाले हैं और थोड़ी देर में देखेंगे इसका रिजल्ट। सारी ट्रिक्स और टिप्स दोनों मिलेगा पूरा वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आप मेरे बालों की हालत देख लो कैसी है और रिजल्ट देखते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दो बार शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेना, जिससे कि हमारे क्लाइंट के बालों का सारा डर्ट और डस्ट रिमूव हो जाए। और उसके बाद टॉवल की हेल्प से अच्छे से उसको रिंस आउट करना है, बहुत फर्मली, बहुत आराम से। उसके बाद बारी आती है ब्लो ड्रायर की। ब्लो ड्रायर में हमें अपने क्लाइंट के बालों को 100% ड्राई कर लेना है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। ये देखिए, ये हमारा ब्लो ड्रायर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। अब आगे हम प्रोडक्ट अप्लाई करने को, याद रखना रूट से 1/2 इंच दूर ही हमें प्रोडक्ट को अप्लाई करना है और अच्छे से अप्लाई करना है। ये हमारा प्रोडक्ट एप्लीकेशन हो गया कंप्लीट। अब हम इसे क्लीन रैप करने वाले हैं और छोड़ेंगे 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे के लिए। गाइस, 1 घंटे के बाद हमें 80% प्रोडक्ट को अच्छे से रिंस आउट कर लेना है, याद रहे 80%। उसके बाद फिर से दोबारा से हम करेंगे ब्लो ड्रायर, ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लो ड्रायर करना है। उसके बाद हम आएंगे अपने मेन पार्ट आयरनिंग पर। गाइस, याद रखना आयरनिंग में हमें हर अपनी एक लेयर पर छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, जिसमें कि से 10 से 15 बार या 15 से 20 बार अच्छे से आयरनिंग कर लिए। और ये देखो, ऑलमोस्ट हमारी हो गई है आयरनिंग कम्प्लीट। आइए देखते हैं रिजल्ट। वाह, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लाइंट के बालों पर कम्प्लीटली मिरर शाइन इफेक्ट आ गया है। मुझे तो ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।